अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हो उसामा राजपूत यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए ले आया हूँ एक 3D बॉक्स नेम वीडियो स्टेटस। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको एक डेमो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसे कि आपने डेमो वीडियो में देखा, एक गाइस 3D बॉक्स है जिसके अंदर गाइस आप अपना नेम यूज़ कर सकते हैं या कोई फोटो वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो सा गाइस रोटेट हो रहा है, यानी कि बार बार जो सा रोटेट हो रहा है, जिससे ये लगता है कि ये एक 3D है और एक सच में एक बॉक्स है, जहाँ पे गाइस आप जो सा चारों तरफ अपना नेम यूज़ कर सकते हैं। और वो गाइस आप किस तरीके से यूज़ करेंगे वो सारी डिटेल गाइस मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो वीडियो को गाइस आपने शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देख लेना है। तो ये जो सी गाइस वीडियो है, ये गाइस लाइट मोशन के ऊपर बनेगी, लेकिन गाइस मैं आपको सबसे ईजी वे में समझाऊंगा कि आप इसको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आगे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी डेली की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए गाइस मिनट इन्वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपने जो सा यहाँ पे लाइट मोशन एप्लीकेशन वो ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद प्लस वाला आइकन के ऊपर जाके यहाँ पे गाइस आपने 1.1 का गाइस जो सी रेशो है वो गाइस आपने ऐड करके क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब गाइस आपको स्टार्टिंग के अंदर गाइस आपको जो सी एक पार्टिकुलर वीडियो जो सी वो गाइस आपको ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पे जो सी एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो है, एक लाइटिंग इफेक्ट, वो गाइस मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सी मैंने एक पार्टिकुलर वीडियो जो सी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, जो कि गाइस कुछ इस तरीके की है। देन गाइस मैंने प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब गाइस आपने इसकी जो सी ड्यूरेशन है वो गाइस आपने देख लेनी कि आपने इसको कितने सेकंड के लिए क्रिएट करना है। तो यहाँ पे गाइस जो सी मैं 10-11 सेकंड के गाइस जो सा करीब इसको गाइस मैं जो सा क्रिएट करना है। तो बकिया जितना भी हिस्सा होगा इसको गाइस मैं यहाँ से स्ट्रीम कर दूंगा। स्ट्रीम करने के बाद अब गाइस आपको यहाँ पे करना है कि यहाँ पे गाइस आपको जो सा प्लस वाला आइकन के ऊपर जाके टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे गाइस आपने जो सा अपना नेम है वो गाइस आपको यूज़ कर लेना है। तो नेम गाइस आप जो सा अपना फुल भी यूज़ कर सकते हैं, खाली नेम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसामा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर उसामा राजपूत, कुछ इस तरीके से भी गाइस आप जो सा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं गाइस जो सा यहाँ पे उसामा और नीचे जो सा गाइस राजपूत लिख लेता हूँ ताकि आपको जो सा क्लियरली नज़र आ सके। तो राजपूत गाइस मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिया है। अब इसमें फाउंड वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे जो उसमें वम्पायर वाला जो सा गाइस फाउंड है वो इसमें यहाँ पर ऐड करूँगा, जिसकी वजह से ऑलरेडी मूवी भी बन चुकी है। तो ये वाला फाउंड गाइस मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो उसको जो सा गाइस मैं कुछ इस तरीके से भरा लूँगा, भराने के बाद देन ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। कलर गाइस चेंज नीचे जाके कर लूँगा। तो यहाँ पे गाइस आपको अब कलर यूज़ करना है। तो कलर जो सा गाइस आपने इस तरीके से यूज़ करना है, जिस तरीके का गाइस आपका बैकग्राउंड होगा उस तरीके से गाइस आपने जो सा यहाँ पे कलर की एडजस्टमेंट कर लेनी है। इससे ये होगा कि वीडियो जो सी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी। तो कुछ इस तरीके से गाइस मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद अब मैं गाइस मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर जाके तीसरे वाले ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद इसको जो सा गाइस मैं भरा लूँगा ताकि अच्छा तरीके से हमें नजर आए बॉक्स के अंदर नेम। और इसको जो सा गाइस मैं बिल्कुल मिड के अंदर कुछ इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। एडजस्ट करने के बाद गाइस मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद अब गाइस आपको यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडो वाले ऑप्शन के ऊपर जाके यहाँ पे गाइस जो सा आपने स्ट्रोक है वो गाइस आपको इसका कर लेना है वाइट। वाइट करने के बाद इसकी विड्थ गाइस आपने इतनी ही रहने देनी है। देन गाइस आपको यहाँ पे करना कि इसको गाइस आपने जो से फुल एंड तक ले जाना है कुछ इस तरीके से, जैसे कि इसमें यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। भराने के बाद अब गाइस आपको यहाँ पे करना कि यहाँ पे गाइस आपने जो सा इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से, दबाई रखना है एक लेयर के ऊपर और इसको गाइस जो सा आपने कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब गाइस आपने फर्स्ट वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, ये गाइस हो जाएगा ग्रुप। ग्रुप होने के बाद अब गाइस आपको यहाँ पे करना कि इसके ऊपर क्लिक करना है, ग्रुप के ऊपर इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है और यहाँ पे गाइस आपने ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपने जो सा यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ 3D वाले ऑप्शन के ऊपर गाइस आपको क्लिक करना है। फर्स्ट के ऊपर गाइस आपको एक बॉक्स दिखेगा, तो गाइस आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है कुछ इस तरीके से। क्लिक करने के बाद अब गाइस आपको यहाँ पे करना है कि यहाँ पे गाइस आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे गाइस आपको एक हाइट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, जहाँ पे गाइस 3000 लिखा है इसको जो सा गाइस आपने 1000 के ऊपर ले जाना है। तो मैं जो सा गाइस इसको जल्दी जल्दी 1000 तक ले जाता हूँ। तो 3000 था इसकी गई जो सी होगा साइज़, वो गई एक बॉक्स की तरह हो जाएगा, यानी कि 1.1 के बराबर हो जाएगा जितना गई हमने जो सा ये साइज़ चूज़ किया है। तो यहाँ पे गई आप देख सकते हैं ये 1000 के करीब हो गया, 970 एंड यहाँ पे गई आप देख सकते हैं ये 1000 हो चुका है। अब गई आपको यहाँ पे करना है कि यहाँ पे गई आपको नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पे गाइस आपको एक ऑप्शन आएगा स्कैम का, तो गाइस आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसकी गाइस आपने जो उसकी साइज़ वो गाइस आपने थोड़ा सा भरा लेना है। साइज़ गाइस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरह की गाइस आपकी जो उसकी स्क्रीन का रेजोल्यूशन होगी, सॉरी स्क्रीन का जो सा गाइस रेशो होगा उस हिसाब से गाइस आप जो उसे इसका साइज़ है वो गाइस आप भरा सकते हैं। तो इसको जो सा गाइस मैं कुछ इसी के ऐसे इतना ही भरा लेता हूँ ताकि ये अगर घूमे भी तो चारों जो से इसके कोने हैं वो गाइस हमें ठीक तरीके से नजर आए। अब गाइस आपको नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पे गाइस आपको पॉइंट लाइट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, तो गाइस आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से गाइस आपने जो है इसको फ्लैट कर लेना है।
फ्लैट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर जो है पुराना हो चुका है जिस तरह का गाइस हमारा स्टेटस का। अब गाइस आपको यहाँ पे करना है कि यहाँ पे गाइस आपको रोटेशन वाले ऑप्शन के ऊपर आना है। यहाँ से गाइस जो सा फर्स्ट के ऊपर आपको एक्स नज़र आ रहा है, इसको गाइस आपने खींच के आगे की तरफ ले जाना है तकरीबन कोई गाइस आप कह सकते 34 के करीब, तो 34 या कह सकते गाइस आप 30 के करीब गाइस आप इसको ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं जो है इसको 34 के करीब ले जाता हूँ। अब गाइस आपको वाई वाले ऑप्शन के ऊपर आना है, पहले एक्स किया था वाई के ऊपर आना है, इसको गाइस आपने जो है 17 कर लेना है। चल भी हो जाए 17, ये हाँ 12, तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं ये 17-18 हो चुका है। अब गाइस आपको यहाँ पे की यूज़ करनी है, की वाले ऑप्शन के ऊपर आना है, यहाँ पे की यूज़ करनी है, एंड के ऊपर जाना है, एंड के ऊपर गाइस आपको जो है की यूज़ कर लेनी है। की यूज़ करने के बाद गाइस आपको दोबारा फिर एक्स वाले ऑप्शन के ऊपर आना है, इसको गाइस आपने 1000 तक खींच लेना है। यहाँ पे गाइस मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, इस एक्स को गाइस आप जितना खींचेंगे उतनी तेज़ी से गाइस जो है ये बॉक्स है ये गाइस वर्क करेगा। अगर गाइस आप इसको थोड़ा रखेंगे यानी कि 300 के करीब, तो ये जो सा गाइस होगा धीरे धीरे जो सा गाइस मूव करेगा। तो मैं गाइस आपको तेज़ जो सा रोटेशन करके दिखा देता हूँ ताकि वीडियो जो सी अच्छे तरीके से नजर आए। आपने गाइस स्टार्टिंग में देखी भी होगी, एक गाइस स्लो थी और दूसरी जो सी गाइस फास्ट थी, तो इसलिए गाइस मैंने आपको बता दिया ताकि गाइस आप अपने हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट कर सके। 1000 करोगे तो गाइस फास्ट होगी, और अगर गाइस आप इसको 1000 के करीब 300 कर दोगे तो गाइस ये जो सी स्लो हो जाएगी। तो इसको जो सा गाइस मैं 1000 कर लेता हूँ। अब गाइस आपको वाई के ऊपर क्लिक करना है, इसको गाइस आपने 300 के करीब ले जाना है। तो यहाँ पे गाइस जो सा मैं इसको 300 के करीब ले जाता हूँ, यार आज ये बहुत मूव हो रहा है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं ये 310 के करीब आ चुका है। तो जेड के ऊपर जाना है, यहाँ पे गाइस आप इसको जो सा 100 कर सकते हैं या 50 कर सकते हैं, इसका कोई इतना इशू नहीं है। इसको गाइस आपने उतना भरा लेना जितनी देर तक गाइस आपका जो सा नाम ये सीधा नहीं हो जाता ऊपर, आप देख सकते उतनी देर तक गाइस आपने जो सा इसको मूव कर लेना है। 50 या 100 गाइस मैंने आपको इसलिए बताया था, उस वक्त गाइस जो सा नेम था वो सीधा हो चुका था या हो सकता था। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं ये भी 306 के करीब जो सा आपका नेम है ये गाइस सीधा हो चुका है। देन गाइस आपने अब करना क्या है, बैक के ऊपर क्लिक कर लेना है कुछ इस तरीके से, और ये जो सी गाइस हमारी वीडियो हो गई ये गाइस ठीक तरीके से क्रिएट हो चुकी है। अब गाइस आपको लास्ट के ऊपर यहाँ पे करना है कि यहाँ पे गाइस आपको प्लस वाला आइकॉन के ऊपर जाना है, पीछे गाइस आपको एक बैकग्राउंड ऐड कर लेना है कोई सा भी। तो बैकग्राउंड इमेज जो सी गाइस मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, ऐड करने के बाद थ्री डॉट्स वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा, इसको जो सा इसमें फिल स्क्रीन कर लूँगा कुछ इस तरीके से, और मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर जाके इसको गाइस जो सा मैं और जूम करूँगा, क्योंकि गाइस बॉक्स हमारा थोड़ा भरा है जिससे ये होगा कि ये जो सा ठीक तरीके से एडजस्ट नहीं होगा, तो इसलिए गाइस मैं इसको जो सा भरा रहा हूँ थोड़ा सा। तो इतना गाइस मैं भरा लेता हूँ। भराने के बाद गाइस आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे गाइस आपको जो सा इसको भी एंड तक ले जाना है, जितना गाइस आपका स्टेटस होगा तो इसको जो सा इसमें एंड तक ले जाने के बाद इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे गाइस आपने जो सा इस बैकग्राउंड को नीचे की तरफ मूव कर लेना है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मूव करने के बाद यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो सा गाइस स्टेटस है वो गाइस क्रिएट हो चुका है। तो मैं गाइस जो सा आपको एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ कि स्टेटस जो सा गाइस हमारा किस तरीके से क्रिएट हुआ है। तो एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं तीर वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ से गाइस जो सा वीडियो एक्सपोर्ट के ऊपर लगा दूँगा। जैसे कि ये एक्सपोर्ट होती है मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि वीडियो जो सा गाइस हमारी किस तरीके की क्रिएट हो चुकी है। तो वीडियो जो सी गाइस हमारी यहाँ पे सेव हो चुकी है, सेव होने के बाद मैं गाइस यहाँ पे जाता हूँ अपनी गैलरी के अंदर, और यहाँ पे गाइस मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ कि हमारी जो सी गाइस वीडियो है वो इस किस तरीके की क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे गाइस मैंने वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो जो सी गाइस बिल्कुल ठीक तरीके से क्रिएट हो चुकी है, बिल्कुल अच्छी तरीके से गाइस जो सी ये मूव हो रही है। तो इस तरीके से गाइस आप जो सा एक 3D बॉक्स नेम वीडियो स्टेटस अपने मोबाइल के ऊपर इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।